अपने कर्मों का हिसाब दो। जल्दी अपने अपने कर्मों का हिसाब दो। जल्दी आज ही ऊपर वाले को मुंह दिखाने के बाद की और आज ही आज। हे ऊपर वाले, हम लोग अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। नहीं, जो अपना कर्म सबसे अच्छे से कर रहा है पहले उसका हिसाब दो। सबसे अच्छे से तो हमारे खोपड़ी भाई ही अपना कर्म कर रहे हैं। खोपड़ी भाई किधर हो? चित्रगुप्त जी को अपने कर्मों का हिसाब तो दो। मोटू भाई मैं इधर हूँ। ऊपर वाले मैं चोर हूँ और अपना कर्म बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। शाबाश, तुमने अपना कर्म अच्छे से किया, पर हर इंसान को अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा ऊपर वाला। मोटू, तुमने क्या किया? तुम्हारा कर्म क्या है? ऊपर वाले, मेरा काम है चोरों को पकड़ना और उनकी भलाई करना। तो क्या तुमने किया? नहीं चित्रगुप्त जी, नहीं किया। तो करो, अपने कर्मों का हिसाब दो। तुम हिसाब बराबर करोगे तो ही मैं तुम्हारी रजिस्टर में एंट्री करूंगा। सॉरी, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी हिसाब करता हूँ। अरे ऊपर वाले भैया, अरे क्या कर रहे हो? अरे सर जी, आप सो रहे हो और हिसाब पूरा हो गया? सॉरी, सो गया था। अरे जल्दी चेक करो, कहीं मैं ना सो जाऊं। मोटू जी, तुम्हारा अपना कर्म करो, मैं सो गया था। अच्छा ऊपर वाले, जैसी आपकी इच्छा। बोलूंगा तो फायर कर देना फौरन। ये कौन है? ये मुझे फ्रेंड मिली। मेरी फ्रेंड को खाएगा, अभी मजा चखाता हूँ। मेरी है, तुम डरता नहीं हाँ? मैं मार मार कर मचाता हूँ। मैं नकली शेर हूँ। देखा, अब इसको भगाता हूँ यहाँ से। अरे भाई मैं नकली हूँ, यहाँ कभी नहीं आऊँगा। बस बचाओ मुझे। अरे ये तो नकली शेर है। भागो यहाँ से। ये क्या असली शेर? अरे नहीं, यहाँ तो असली शेर भी है। वो देखो, इस पहाड़ी के पहाड़ जैसे सपने अब चकनाचूर होने वाले हैं। तो अपनी ड्रेस ठीक करके वापस आ गया। अभी इसकी नकली ड्रेस उतारता हूँ। अरे भाग के जाएगा किधर? ये तो आप मैं छोड़ूंगा नहीं। पर ठीक खड़े आया है ना, सबको डरा रहे हो।
लोगों को सही राह दिखाता हो। बच्चे लोग हिंसा बुरी बात है और आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोगों को मोटू पर गुस्सा आ रहा है? इसके गैजेट ने हमारा सामान चोरी करके ऊपर रख दिया है। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पर अगर हम लोग सबके सामने हिंसा करेंगे तो लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। भाइयों, इनको मीनार के अंदर ले जाकर क्या बोल रहे हो? फंसा दिया ना। अरे हमें बचा रहे थे कि फंसा रहे थे? ये कभी नहीं सुधरेगा। यही है इसका सही राह दिखाना। मामूनी बच्चे शुरू हो जाओ। तुम लोगों का गुस्सा अगर शांत नहीं हुआ है तो फिर से अंदर ले जाके कूट दो। बस जॉन, बहुत हो गया। खाली कूट दो। अरे हम इनका सामान कैसे भी करके वापस लेके आएंगे। लेकिन मेरे पैर में यार पतलू, अब तो फ्लाइंग हेलमेट्स भी टूट गए। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम्हें कुछ सोचो ना। अब रबर छोड़ दो, सब जाके गैजेट को पकड़ने की कोशिश करो। क्या करे, ये आइडिया तो फेल हो गया। मोटू, अब और कोई चारा नहीं है, तुम समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अरे जैकी भैया, जो पंख आपने लगाए हैं वो मुझे दे दो। हाँ, ये पंख तुम्हें देने, ये लो। हाँ, ये हुई ना बात। अरे अब मैं कैसे उड़ूंगा? अरे गिरा। मोटू पतलू जी, कब से आपका इंतजार कर रहा था। बहुत टाइम लगाया तुम लोगों ने। पर हेड 100 करोड़ लूंगा, यानी कि 5 लोगों के 500 करोड़। तब छोड़ूंगा, वरना डॉगी से कटवा कर हिमालया भेज दूंगा। हाँ, क्या 100 करोड़ पर हेड? अरे हमारे पास 1 करोड़ भी नहीं है, सच्ची मुच्ची। अरे 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं हमें तो ये भी नहीं पता। हाँ, ये ऐसे नहीं बताएंगे, इन सब की धुलाई करो तो बताएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, सच्ची मुच्ची। हाँ, ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे। मेरे पास एक गैजेट है, उससे मैं वेल्थ स्कैन कर लेता हूँ। गार्ड्स, स्कैनर लाओ। लाओ भाई, कर लो स्कैन। मैं पढ़ता हूँ। ये क्या है? 4 जोड़ी कुर्ते, 4 जोड़ी पजामे, 2 जोड़ी जूते जिसमें 1 जूते के नीचे होल है। और ये क्या है? 1 रेड हाफ कुर्ता। पतलू, वो रेड हाफ फटा हुआ कुर्ता घर में है क्या? हाँ, है ना, ऊपर वाले बॉक्स के नीचे रखा है। अरे बताना तो था ना, मैं कब से ढूंढ रहा था। ओह, थैंक यू वेरी मच सर।
मिस्टर टेलीपोर्टर, ये लोग बहुत शातिर हैं। अपनी दौलत कहीं छुपा के रखी है। कुछ देर और उठाई करवाओ। साथियों, हमला! हमें मारोगे? आ जाओ! बस बहुत हो गया। अब तुम जॉन को स्कैन करो। असली खजाना इसके पास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसने आपको फंसाया है। ये हमारा दुश्मन है, हमें पिटवाना चाहता था। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।